और चलिए इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, 13 विधायक मंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले विधायक मंच पर पहुंचे हैं और कृष्ण लाल पंवार, रणवीर गंगवा मंच पर मौजूद नजर आए हैं। इसी के साथ कृष्ण बेदी और शान सिंह राणा भी मंच पर मौजूद नजर आए हैं और आरती राव, श्रुति चौधरी भी मंच पर हैं। बता दें कि 13 विधायक मंत्रिमंडल में शामिल होंगे जिनके मंच पर पहुंचने की खबरें सामने आ रही हैं। मंत्री पद की शपथ लेंगे 13 विधायक और मंत्रिमंडल में शामिल होने पर विधायक मंच पर पहुंचे हैं। कृष्ण लाल पंवार इसमें शामिल हैं, रणवीर गंगवा इसमें शामिल हैं और इसी के साथ साथ कृष्ण बेदी और श्याम सिंह राणा भी इसमें शामिल हैं जो कि मंच पर नजर आए। आरती राव और श्रुति चौधरी भी मंच पर नजर आई। इस वक्त की बड़ी खबर सीधा शपथ ग्रहण समारोह से आपको दे रहे हैं। पंचकुला में 13 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे और इनमें जो नाम शामिल हैं वो भी आपको बता रहे हैं, लेकिन अभी और नामों के ऐलान होने का इंतज़ार है और आखिरकार किसे कौन सा विभाग दिया जाएगा ये इंतज़ार अभी बरकरार है और देखना होगा कि किसे कौन से विभाग की जिम्मेदारी दी जाती है और किस तरह का मंत्रिमंडल जो है हरियाणा की जनता को मिलता है, किन किन को मंत्रिमंडल में जो है खासी जगह दी जाएगी ये देखना होगा। और ये सस्पेंस अभी बरकरार है और हर किसी को इंतज़ार है मंत्रिमंडल का कि किन किन को शामिल किया गया है। लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजेश नागर, विपुल गोयल इसमें शामिल है, अरविंद शर्मा शामिल हैं जो कि मंच पर नजर आए हैं, अनिल विज, महिपाल ढांडा मंच पर नजर आ रहे हैं और राजेश नागर, विपुल गोयल, अरविंद शर्मा मंच पर पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, हरियाणा में मंत्रिमंडल मंत्रियों की जो सूची है उसका किसी को इंतज़ार है कि आखिरकार मंत्रिमंडल में कौन कौन से विधायक जो हैं वो शामिल होंगे और अब इसका खुलासा भी धीरे धीरे जो है वो होने लगा है क्योंकि मंच पर अब तमाम जो बड़े दिग्गज नज़र आ रहे हैं उनको लेकर तमाम तरह के कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं और ऐसे में आरती राव, श्रुति चौधरी मंच पर पहुँचे, 13 विधायक मंच पर नजर आ रहे हैं जिनके नामों का ऐलान भी हम कर रहे हैं और सीधा अपडेट आपको दे रहे हैं। दूसरी बार नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, उसके बाद एकाएक कर तमाम जो नेता हैं वो शपथ लेने के लिए पहुंचेंगे। कार्यक्रम करीब 1 बजे का रखा गया है और इस कार्यक्रम के लिए तमाम जो अतिथिगण हैं वो पहुँच चुके हैं, तमाम बड़े चेहरे जो हैं वो पहुँच चुके हैं और कैबिनेट मंत्रियों के संभावित नाम जो हैं वो लगातार सामने आए हैं। लेकिन इसी के साथ साथ सस्पेंस अभी भी बरकरार है, जो नाम है वो अनिल विज, कृष्ण लाल पंवार, राव नरवीर, महिपाल ढांडा, विपुल गोयल, अरविंद शर्मा, श्याम सिंह राणा, रणवीर गंगवा, कृष्ण बेदी, श्रुति चौधरी, आरती राव, राजेश नागर, गौरव गौतम, ये वो तमाम नाम हैं जिनको संभावित बताया जा रहा है कैबिनेट में मंत्री के तौर पर और कयास जो हैं वो तरह तरह के लगाए जा रहे हैं। बता दें कि हरियाणा बीजेपी की कल विधायक दल की जो बैठक हुई उसमें नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुना गया और एक बार फिर से वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे और मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के और ऐसे में दूसरी बार वो शपथ ग्रहण करेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर। इसी के साथ मंच पर तमाम जो विधायक हैं वो पहुँच चुके हैं जिनमें शामिल हैं अनिल विज, कृष्ण लाल पंवार, राव नरवीर, महिपाल ढांडा, विपुल गोयल, अरविंद शर्मा, श्याम सिंह राणा, रणवीर गंगवा, कृष्ण बेदी, श्रुति चौधरी, आरती राव, राजेश नागर, गौरव गौतम, ये तमाम वो बड़े दिग्गजों के नाम हैं जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी और फिलहाल मंच पर मौजूद नजर आ रहे हैं। तक पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें जो आज ताजपोशी होनी है नायब सिंह सैनी की मुख्यमंत्री के लिए,
ऐसे में एक भव्य समारोह का जो आयोजन किया गया है, तमाम दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, जिसकी तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। और इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज का ये जो कार्यक्रम है, समारोह का, शपथ ग्रहण समारोह का, ये कितना भव्य है। और तमाम दिग्गज इस वक्त जो मेहमान हैं वो पंचकुला पहुंच चुके हैं, कई मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। इसके साथ ही सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। संभावित जो मंत्री हैं उनके नाम भी हम लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए आए थे, और एक लाइन का प्रस्ताव जब रखा तमाम लोगों ने अपनी अपनी उस पर राय देने का काम किया, परंतु सब ने नायब सैनी जी के हक में अपनी बात रखी और सर्वसम्मति से फैसला हुआ और दिल से फैसला हुआ है। पार्टी का आभार व्यक्त करते हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं कि अच्छे सज्जन पुरुष को बनाने का काम किया। सर्वप्रथम जो प्रस्ताव रखा गया वो कृष्ण बेदी जी ने रखा था और अनिल विज जी ने बहुत से तो लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं, पल पल के अपडेट्स भी हम अपने दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। चूंकि आज का जो दिन है वो बेहद खास है, एक बार फिर से नायब सिंह सैनी प्रदेश की कमान संभालने वाले हैं, और जिसको लेकर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इस ताजपोशी कार्यक्रम के गवाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे, चूंकि मुख्यमंत्री आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे नायब सिंह सैनी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। फिलहाल जो तस्वीरें आ रही हैं वो इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की काफिले की, चूंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब पहुंच चुके हैं पंचकुला, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये काफिला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का है। आपको बता दें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। तमाम केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी आज रहने वाली है, चूंकि लगातार तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे, चूंकि जेपी नड्डा भी इससे पहले जब पहुंचे वो तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई। अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये काफिला जो है इस वक्त पहुंचा है, आप तस्वीरों में देखिए, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का काफिला गुजर रहा है।